बहुत अच्छा लग रहा भाई गगन भाई के साथ घूमने में, बड़ा अच्छा फील आ रहा है कि यूथ आइकॉन के साथ टाइम स्पेंड करने में लाइफ के बेहतरीन पल। यारी हमेशा बरकरार रहे ऐसी हम कामना करते हैं दादा श्री कृष्ण से। बिल्कुल भाई, और हमारे समाज के लोगों में भी ये यारी हमेशा रहे, बनी रहनी चाहिए। टांग मत खींचो एक दूसरे की, प्यार मोहब्बत से रहो, बाद में कोई काम नहीं आता, जब परेशानी होती है तो अपने ही काम आते हैं, तो अपनों से बना कर रखो, अपनों को नाराज मत करो। तो हम सब तो आपको ही सुनना चाहते हैं ना गगन भाई, ये आप लोगों का प्यार है। वैसे सही बात बताओ ना, हाँ जी, रियलिटी ये है कि मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ हो। आई एम नथिंग विदाउट द लव ऑफ माई ब्रदर्स। जो भी हूँ आप लोगों के प्यार से हूँ, और जो भी आगे बनूंगा वो आप लोगों के प्यार से बनूंगा। बस यही कामना है कि प्यार देते रहो बराबर। देखो कोई भी आदमी ना परफेक्ट नहीं होता, किसी हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को अपना मानते हैं, तो उसकी कमियों को आप बता दें, ना कि उसकी कमियों को आप पकड़ कर गलत अच्छा सा मैसेज दे दो एक सबको कि सब एक हो जाए, बस किसी तरीके से अही रेजिमेंट बन जाए। मैं तो देखो हर जगह यही कहता हूँ लोगों को, ये अही रेजिमेंट का मुद्दा ना हमें मिला हुआ है जो हमारे समाज को आज एक कर रहा है, तो इसमें आप एक दूसरे का कटाक्ष ना करें, बल्कि इसकी खूबसूरती को देखें, इस पीताम्बरी की खूबसूरती को देखें और इस मुहिम को मजबूत बनाने का काम करें। बाकी जो हम कहते हैं कि जितना लेट होते जाएंगे हम इस मुहिम में, जितना सरकार लेट करती जाएगी उतना मेरा समाज मजबूत होता चले जाएगा, तो आप उनको ये एहसास कराएं कि आपका समाज मजबूत हो रहा है। आप एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बोलेंगे, कोई अगर आगे जा रहा है तो आप ये सोचेंगे कि ये क्यों जा रहा है, मैं इससे आगे निकलूं, ऐसे बात नहीं बनती है। सबको साथ लेके सबको देखो पैरेलली चलना पड़ेगा ना आपको। एक आदमी अगर आगे जा रहा है, आज अगर उसकी कुछ लोग टांगे खींचेंगे, वो आगे नहीं पहुंच पाया, तो कल को उसकी भी बारी आएगी, फिर वो कोई जा रहा होगा तो वो अपनी भड़ास तो निकालेगा ना, और यही आज तक होता है। तो आप सपोर्ट करिए, जब किसी को लगता है ना कि यार इसने मेरे को उस टाइम पे सपोर्ट किया था, तो वो भी आपके साथ आएगा। ये कर्मा है, व्हाट यू गिव सून यू विल गेट, जो आप देते हो वो जल्दी आपको मिल जाता है। सपोर्ट करने का तरीका किस तरीके से सपोर्ट करी जाए? सपोर्ट ऐसे किया जाए, देखो कई लोग क्या सोचते हैं सपोर्ट का मतलब ये फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट ही सपोर्ट नहीं होता। आपका इतना कह देना कि भाई आप मेहनत करो हम आपके साथ हैं, और आपका इतना कह देना कि कोई अगर आपके बारे में नेगेटिव भी बोल रहा है ना, तो अपन साथ में खड़े हैं, आप बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, हम संभाल लेंगे उन्हें, ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। और सोशल मीडिया पे जैसे आप हैं, आप कर रहे हैं ना सपोर्ट अपने को, बिल्कुल भाई, तो इससे बड़ा सपोर्ट और क्या ही है। पैसा तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, जिसकी नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि भाई जरूरत पड़ती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। कई लोगों पे पैसा है लेकिन प्यार नहीं है, बिल्कुल लोग नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास लोग हैं, प्यार है, सुनील राव जी कापासेड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं जब से इनके टच में हूं मैंने एक चीज देखी है, ये बड़ा खुश होते हैं लोगों को सपोर्ट करने में जो आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे आदमी को दिल से सल्यूट है, क्योंकि आज की तारीख में हम आपके एसी हैं, जो हमारा फैन है हम उनके एसी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि एक दूसरे के ड्रीम्स को, एक दूसरे की सक्सेस को, एक दूसरे की हैप्पीनेस को चीयर कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और अगर ऐसे मिलते हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से आई लव यू, थैंक यू भाई, लव यू भाई, लव यू भाई।